एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, डॉक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज पेरेंट एसोसिएशन ने आज यहाँ एक प्रोटेस्ट रखा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है। आप सुबह सब जब उठते हैं तो इतनी धुंध होती है, इतनी फॉग होती है। कल की बात करूं तो कल 4 बजे तक फॉग थी, आज भी आप 2 बज चुके हैं। आप माहौल देख सकते हैं कैसा है, अभी जाकर उजाला हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं। हम सोचते थे कि बापू जो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर है वो नलायक है, लेकिन वो तो है ही है। यहाँ पे तो हमारा जो राजा बनाया गया है, जो एलजी साहब बिठाया गया है, ये सबसे बड़े नलायक एलजी साहब है। क्योंकि जा तो ये कुर्सी छोड़ दे, इनको सोचना चाहिए। जब दिल्ली में छुट्टी है विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो सकती है, जब पंजाब में विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो सकती है, जब ग्वालियर में विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? हम ये सोचे कि जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को, जम्मू कश्मीर की 101 करोड़ 30 लाख अवाम को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया है जहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं। और हमारी ये डिमांड है एलजी साहब, आज के आज 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन एक्सटेंशन एक्सटेंड की जाए। विंटर वेकेशन एक्सटेंड होना बहुत जरूरी है, बच्चे की हेल्थ को देखकर, बच्चों को देखकर, बच्चों के पेरेंट्स को देखकर। आप सबके चैनलों में इतने कमेंट्स आते हैं लोगों के कि विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो, लेकिन हमारे एलजी साहब सिर्फ रिबन काटने में लगे हुए हैं। और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ये 2-2 बजे तक स्कूलों से कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि हम छुट्टियां डालें या ना डालें। लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन ने तो 2 दिन की जो छुट्टी कहे तो 7 तारीख तक छुट्टी एक्सटेंड कर दी गई, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? मैडम आप समझदार हो कि 2 दिन की एक्सटेंशन, या तो डर डर के इन्होंने 2 दिन की एक्सटेंशन की, उनको शर्म आनी चाहिए। जब आज भी मौसम विभाग ये कहता है कि अभी भी 3-4 दिन धुंध और उसके बाद 3-4 दिन बारिश रहने वाली है, तो जब यहाँ पे अगर 15 जनवरी तक अगर आप विंटर वेकेशन एक्सटेंड कर दे तो आपका क्या जाएगा? यहाँ से पता चलता है अगर दिल्ली पंजाब की गवर्नमेंट विंटर वेकेशन एक्सटेंड कर सकती है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? हम ये सोचे ऐसे बाबू लोगों के हवाले बच्चों की हेल्थ को दे दिया गया है, बच्चों के पेरेंट्स को दे दिया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, जहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं। सर क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं हो रहा है विंटर वेकेशन? ये प्रदर्शनों का शहर बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स जो है वो रोडों पे आए। अरे शर्म करो एलजी साहब, कुर्सी छोड़ दो, आप कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं है। एलजी साहब थोड़ा सा एहसास कीजिए। आज दिल्ली छुट्टियां हो सकती है, विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो सकती है, पंजाब विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो सकती? ये सोचने वाली बात है। जी, जी।